पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दी है कि हम पाकिस्तान को 1971 की तरह तोड़ देंगे। वन, द एंटायर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर एन इंटीग्रल एंड इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो मोदी की जब से हुकूमत आई है उसने पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ ही काम किया है। चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? वही पांचवें नंबर पे लाया, जीडीपी चेक करें आप। मैं इंडिया के ऊपर तो कर ही नहीं सकती। मुझे ये बताएं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को कितना को आगे ले गए, ये तो बता दो। लीला बहुत लेके जा रहे। पाकिस्तान का टूटेंगे कश्मीर, लेकिन सिर्फ आजाद कश्मीर, नॉट जम्मू कश्मीर। इंडिया वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ला रहा है, उसकी मेन रीजन ये है कि वहाँ के लोगों को वो अपने साथ चलाना चाह रहे हैं। वो उसको पाकिस्तान का वजूद अच्छा लगता ही नहीं है। सही, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो बिल्कुल हालात बेहतर होंगे। स्पेशली जो अभी जो गवर्नमेंट है मोदी की, मतलब ये सरकार तो बिल्कुल भी मतलब तलाकात सही नहीं करती है। मतलब इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम है कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। जब हमारा दीन ही नहीं उसको एक्सेप्ट करता तो हम कौन होते हैं भाई? पूरी दुनिया करे, पूरी दुनिया चाहे ना करे। मतलब वो काम करते हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं होते, मतलब वो ऑपोजिट होते हैं सारे। मेरी बात सुनो, हमने 75 साल में क्या कर लिया इंडिया का, बताओ क्या किया? कुछ भी नहीं, चार जंगे हुई है, हारेंगे। कश्मीर आज भी वहीं पे खड़ा है। खाने के लिए रोटी नहीं है शाम को, हमने कश्मीर की क्या बात करनी है? इस वक्त पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के बेस पे हम उनके साथ रवैया सही नहीं रखते, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं, कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं। मोदी जो है ना वो बहुत होशियार है और वो हिंदुइज्म को फैलाना चाहता है। जम्मू कश्मीर में वो ये गेम कर रहा है कि मुसलमानों की अक्सरियत खत्म हो। इंडिया दूसरे मुस्लिम मुमालिक के साथ ट्रेडिंग बेहतर कर रहा है, तालुकात बेहतर कर रहा है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ भी होने चाहिए ताकि पाकिस्तान भी थोड़ा आगे बढ़ सके ट्रेडिंग के मामले में? देखिए ये होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानियों को करनी है भारत के साथ में ट्रेड ताकि पाकिस्तानियों को भी सस्ती चीज़ें मिल सके, लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी पाकिस्तान को वार्निंग दे दी गई है। पहली वार्निंग तो यह है कि आतंकवाद को ख़त्म करो, दूसरी यह है कि भैया पीओके खाली करने का समय आ गया है, पीओके खाली करो और निकलो वहाँ से। तो इसी के ऊपर ना पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है वो देखने लायक है। तो वीडियो पूरी देखना, आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखा जाए तो वहाँ भी मुसलमान ही रहते हैं। वहाँ पर मोदी जी इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ट्रेनें, हेल्थ सेंटर, डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। मोदी जो है ना वो बहुत होशियार है और वो हिंदुइज्म को फैलाना चाहता है। जम्मू कश्मीर में वो ये गेम कर रहा है कि मुसलमानों की अक्सरियत खत्म हो। चार्मिंग दे रहा है कि हिंदुओं को कि आप उधर आके अपनी ज़मीनें खरीदें, कारोबार करें। तो कांग्रेस जब भी आती है वो जमहूरियत पसंद जमात है और उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ कैसे तल्लुकात रख रहे हैं। कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए कांग्रेस तो पाकिस्तान के जो हालात मेरी नज़र में बेहतर हो सकते हैं। वो जब तक मोदी है पाकिस्तान के हालात सही नहीं हो सकते। जिस तरह इंडिया दूसरे मुस्लिम मुमालिक के साथ ट्रेडिंग बेहतर कर रहा है, तालुकात बेहतर कर रहा है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ भी होने चाहिए ताकि पाकिस्तान भी थोड़ा आगे बढ़ सके ट्रेडिंग के मामले में? देखिए ये होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हमारा एक वो नेबर कंट्री है और जितना हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो हमें बिल्कुल कॉस्ट उसकी बिल्कुल शॉर्ट पड़ेगी अगर हो जाए तो, ये तो बहुत बेहतर है। सही हो गया। मैं नहीं बल्कि हर ट्रेडर चाहेगा कि ये होना चाहिए। सही हो गया। मेरे नजदीक नहीं है। यू आर आस्किंग अबाउट माय सेल्फ। मेरे नजदीक नहीं है। क्यों नहीं है? ये जेलेसी है, ये क्या है? इट्स नॉट जेलेसी, इट्स नॉट जेलेसी, इट्स ही इज एन इलिटरेट, ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने नंबर पर इकोनॉमी को वही लाए हैं, ये मत भूले। नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। कौन लेकर आया? ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल, मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, देखिए वो किसी भी कंट्री में जाते हैं आज उनको इज्जत। चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? वही पांचवें नंबर पे लाए, जीडीपी चेक करें आप। मैं इंडिया के ऊपर तो कर ही नहीं सकती। मुझे ये बताएं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को कितना को आगे ले गए, ये तो बता दो। लीला बहुत लेके जा रहे हैं, बहुत लेके जाने। मैंने बड़े बड़े बच्चों को बहुत बहुत आगे देखा है। मैंने पूरी कौम की बात की है। नो 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 नो। और बहुत बच्चे उनको आज भी अगर सोर्सेज हो तो बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, एंडिंग स्टेटमेंट में ये दूंगी, एक लाइन पे जितने मैंने बच्चे देखे हैं, एक लाइन में अपने प्राइम मिनिस्टर को, एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा वर्ल्ड किस पर रिस्पेक्ट। कांट कंपीट देम विद माय पाकिस्तान, माय पाकिस्तान इज द बेस्ट। ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखती हो? बहुत ही वो, मैं आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाएं।
क्या पड़े हो जाएंगे, इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। जब हमारा दीन ही नहीं उसको एक्सेप्ट करता तो हम कौन होते हैं भाई, पूरी दुनिया करे, पूरी दुनिया चाहे ना करे। अच्छा। हम लोगों ने अपने दीन इस्लाम के मुताबिक चलना है, तो अगर वो चल रहे अपने कल्चर के मुताबिक तो उनका कल्चर बाकी कंट्रीज में लाइक किया जाता है। अच्छा। मतलब उनका पहनना ओढ़ना, उनका नाच गाना ज़्यादा, और आप देखेंगे कि बाकी जो अमेरिका होते हैं कनाडा में, वहाँ पे भी यही चीज़ें बहुत कॉमन है उनके। आप कह रही हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे दीन में ये नहीं है, तो हमारे दीन में चाइना को भी एक्सेप्ट करने का नहीं बोला गया, क्योंकि है वो भी नॉन मुस्लिम ही, जिनके हम गुन गाते हैं, जिनके हम झंडे लहराते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसके लिए पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और हिमालय से ऊंची तो शहद से गहरी मीठी इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा चले ठीक है, इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं, कि वो पाकिस्तान की हेल्प जैसे भी है, वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है, चाहे जब पैसा आया तो सारा कुछ भूल गए, एक्सेप्ट कर रहे उसके कल्चर को तो नहीं ना एक्सेप्ट कर। आप देख सकते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए, कतर के साथ उनके ताल्लुकात देख लें, सऊदीया के उनके साथ ताल्लुकात देख लें, अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने एक ही मुद्दा रखा कि हम जो है कश्मीर की वजह से इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में देखें IIT IIM जैसे जो है शोबे मुतारिफ करवाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है, जिस पर कश्मीरी बहुत ज्यादा खुश है कि जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया है। आपने बात की कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की तो गवर्नमेंट है ही नहीं, यहाँ पे खिलाई मखलूक सब चीज़ों पे काबिज है। आपने बात की कश्मीर के हवाले से कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के बेस पे हम उनके साथ रवैया सही नहीं रखते, तो हाँ ये तो हमारे हाथ में नहीं, कश्मीरी लोग क्या चाहते, आप उनके साथ बैठे, हम खुद भी स्टूडेंट हैं, हम खुद उनके स्टूडेंट के साथ जब बैठते उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम एक खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं, यानी कि वो एक आज़ाद स्टेट की मुतालबा करते हैं, चाहे वो भारत से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो। दूसरी आपने बात की सऊदी अरब की, पाकिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान को हर किसी ने एज अ टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया हुआ है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, अगर कोई इनकार करता है तो 5-10 साल बाद सब इस चीज़ के लिए तैयार हो गए कि बिल्कुल ऐसा ही था। तो सऊदी की जो बात है, सऊदी ने यहाँ पे जो दहशतगर्दी थी यहाँ पे वो अपनी पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करती थी, सऊदी की यहाँ पे पैसे थी, जो असला था असला अमेरिका तक था, अमेरिका की जो पॉलिसी वो अभी तक जारी है, लेकिन सऊदी ने बड़ा अच्छा स्टेप ले लिया, उसने ये फैसला करके दिखाया कि हमने जो किया गलत किया उसको यहाँ पे स्टॉप करते, अब दुनिया टेक्निकल दुनिया है, सब कुछ सारी दुनिया यानी सारी ममालिक हमसे आगे बढ़ती जा रही है, और हम इसी मॉडर्निज्म दुनिया में भी इसी दहशतगर्दी को प्रमोट करने लगे हैं, यानी उन्होंने जो अपना किबला था जो रुख था उन्होंने दुरुस्त किया, यानी कि वो आजकल बड़े अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने कंट्री को आगे लेकर आते, अपने हमसाए ममालिक के साथ अच्छे अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, यानी कि उसकी जो दहशतगर्दाना है इसी तरह की जो पॉलिसी थी उनको उन्होंने स्टॉप किया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है, यहाँ पर बात हो रही थी ट्रेड को लेकर जम्मू कश्मीर को लेकर, तो देखिए पाकिस्तान ने जो है ना दुश्मनी भारत से इसी टॉपिक के ऊपर पाल रखी है कि जम्मू कश्मीर जो है ना वो तो पाकिस्तान का है, हम आज़ाद करा देंगे, ये करा देंगे, होता कुछ भी नहीं है इनसे और अभी तक ये कुछ कर भी नहीं पाए, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ना मतलब जीतने का वोट हासिल करने का जो है ना बढ़िया सा जरिया है, इसीलिए वहाँ के नेता और ये जो है ना इस टॉपिक को छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर का टॉपिक अगर इनके नेता छोड़ देंगे तो फिर जनता के बीच में जाकर वोट किस टॉपिक के ऊपर मांगेंगे, तो पाकिस्तानी नेता को भी ये पता है कि वो कर कुछ नहीं सकते हैं, और जो POK हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको भी छोड़ना पड़ेगा आने वाले समय में, इनको ये बात इनको क्लियर पता है, लेकिन जब तक इस टॉपिक के ऊपर वोट मिल रहे हैं तब तक लेते रहो, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो, और अक्सर पाकिस्तानी भी इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके नेता इनकी आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को लूटा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि
इनके नेता कुछ कर दिखाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, यहाँ पर ट्रेड की बात होती है, ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से ही बंद की गई थी, भारत ने तो बंद की नहीं थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों को पता चला कि ट्रेड बंद करने से तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान के अंदर जो सस्ती सब्जियाँ वगैरह आती थी वो रुक गई। तो अब पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं, ट्रेड शुरू होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने भी कह दिया कि भैया ट्रेड हमने तो बंद नहीं की थी, और अब अगर आपको ट्रेड शुरू करनी है तो आतंकवाद पर कंट्रोल करो और आओ पीओके के ऊपर बात करो, फिर करते हैं ट्रेड शुरू। तो यही जो आपने वीडियो के अंदर देखा है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।